नमस्कार, फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी। आज हमारे साथ हैं रवि वर्मा जी। आप कुराश कन्फ्रंटेशन ऑफ एशिया के चेयरमैन हैं, मीडिया एंड पीआर विभाग के। धन्यवाद। उसके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी दायित्व वहन कर रहे हैं। आज हम आपसे इस अनोखे गेम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इस खेल का भारत में क्या भविष्य है और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और भी बहुत सारी बातें। तो आइए इसके लिए बात करते हैं रवि वर्मा जी से। वर्मा जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो कुराश एक इंटरनेशनल गेम है, इसके लिए आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसमें आपकी क्या भूमिका है? कुराश में, जैसा कि आपको पता है, मैं चेयरमैन मीडिया एंड पीआर हूं। तो बेसिकली मेरा काम कुराश को एशिया में प्रमोट करना और इंक्लूडिंग इंडिया, उसको जितना ज़्यादा प्रमोशन मिले। और जैसे अभी रिसेंटली बहुत कोशिशों के बाद कुराश कुल नेशनल गेम्स में इंक्लूड हो चुका है। अच्छा। कुराश एशियन गेम्स में भी इंक्लूड हो चुका है, जो 2018 में जकार्ता में खेली जाएगी। स्कूल में आते ही कुराश का प्रमोशन शुरू होता है और मेरा यही रोल है कि किस तरह से पूरे एशिया में स्कूलों के अंदर कुराश को लाया जाए। अच्छा। और इंडिया में मैं कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा हर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में मुझे वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है। इस खेल के बारे में बताइए आप कि ये बेसिकली खेल क्या है, ये कुराश खेल जो है, और ये बाकी मार्शल आर्ट्स के बाकी खेलों से कैसे अलग है? कुराश में और दूसरे मार्शल आर्ट्स में यही फर्क है कि इसमें ग्राउंड वर्क नहीं होता। जी। ये स्टैंडिंग टेक्निक्स लगते हैं। जी। खड़े खड़े आपको थ्रो मारने होते हैं। तो इसका फायदा, दो फायदे हैं। एक तो ये गेम बहुत फास्ट होता है और थ्रोस देखने में ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आता है। और दूसरा, ये रिस्की नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड वर्क होता है तो चोक लगने का, इंजरीज, दम घुट जाना, जैसे एक के ऊपर एक आ गया, तो ये सारी एलिमेंट्स इसमें नहीं है। स्टैंडिंग है और यही फर्क है, और इसीलिए ये पॉपुलर भी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे और पॉपुलर होएगी। वर्मा जी, इस खेल के तकनीकी पहलुओं को छुएं जरा आप और दर्शकों को हमारे बताएं कि इसमें क्या दिलचस्प पहलू हैं जो ये और रोमांचक बनाता है, इस खेल को रोमांचक बनाते हैं, ऐसे पहलुओं के बारे में बताएं। राइट, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुराश इंडिया में आया कैसे। जी। जगदीश टाइटलर जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और वो इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के भी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। जी। वो इस गेम को उज्बेकिस्तान से इंडिया लेके आए। जी। ये कुराश बेसिकली उज्बेकिस्तान का ट्रेडिशनल गेम है। जैसे हमारे यहाँ स्वयंवर होते हुआ करते थे पहले, वैसे ही वहाँ कुराश को एक स्वयंवर की तरह यूज किया जाता है था, और वर चुनने के लिए। हाँ, मतलब विवाह में कुराश हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ट्रेडिशनल, ये धीरे धीरे डेवलप होते होते ये एक स्पोर्ट्स के शक्ल में आया हुआ है। और इसमें बहुत सिंपल है, समझना भी बहुत सिंपल है लोगों के लिए। बैक लैंडिंग होती है तो वो पॉइंट्स, फुल पॉइंट मिलता है, जिसको हलॉल कहते हैं। और साइड लैंडिंग होती है तो उसको हाफ पॉइंट्स कहते हैं, यम्बोश कहते हैं। यम्बोश, राइट। और अगर उसमें पावर कंट्रोल और स्पीड की, इन तीनों में से दो चीजों की कमी है तो सबसे मिनिमम पॉइंट चाला वो दिया जाता है। अच्छा। और जिसको हलाल मिल गया वो विनर होता है। अच्छा। वर्मा जी, मार्शल आर्ट्स को अभी तक बढ़ावा नहीं मिल पाया जिस तरह का मिलना चाहिए भारत में, तो आखिर इसके पीछे क्या वजहें रही और इसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है? और दूसरी बात, जो कुराश है जो कि इस देश के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, मार्शल आर्ट्स के जो बाकी मार्शल आर्ट्स हैं जैसे रेसलिंग है उससे बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है भारत के लोगों को, तो इसको आप कैसे प्रमोट करेंगे और क्या रणनीति रहेगी आपकी इसके लिए? किसी भी स्पोर्ट्स को आपको प्रमोशन करना है तो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, पेरेंट्स का, कोचेस का, गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो ज़्यादा गवर्नमेंट का है, वो स्कॉलरशिप उनको देना चाहिए। हर स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप ऑलरेडी है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होना चाहिए, जैसे स्टेट में अब मेरे गोल्ड मेडल पे 5000 का, उस पे इंक्रीमेंट होना चाहिए एक। तो
दूसरा सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मेडल्स. मेडल्स आज क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है. हम ओलंपिक में जाते हैं, हमारे पास मेडल नहीं आता, तो यहाँ से प्रमोशन कम हो जाती है. अगर अब हमारा टारगेट ये है जो 2018 में एशियन गेम्स हो रहे हैं इंडोनेशिया में, वहाँ कम से कम एक गोल्ड मेडल तो इंडिया को कुराश दिलाए जी. और इससे कुराश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, ये ऑटोमेटिकली इसका प्रमोशन भी हो जाएगा जी. तो बेसिकली हमारा पूरा कंसंट्रेशन एशियन गेम्स पे है. तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यों मार्शल आर्ट का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर नहीं आ रहा जी. कोचेस की कमी है. अच्छा. जैसे अब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे उज्बेकिस्तान का गेम है, इस गेम को आज रूल कर रहे हैं ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान जी. इस तरह के कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी. और हम चाहते हैं कि वहाँ से कोचेस लाके उनको हमारे बच्चों को ट्रेन कराएं जी. और ये भी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं जी. तो इन सब चीज़ों को हम करेंगे, सरकार भी हेल्प करेगी जी. वो भी स्कॉलरशिप्स, अभी तो स्कूल नेशनल आने के बाद अब स्कॉलरशिप का तो रास्ता खुल गया है जी. तो ये सारी चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी मार्शल आर्ट वो ग्रो करेगा. अच्छा. जैसे आपके पिछले सवाल में आपने कहा कि मेडल आना बहुत ज़रूरी है अगर किसी खेल को प्रमोट करना है, तो मेडल आने के लिए ज़रूरी है कि जो आगे जाना चाहते हैं इस खेल में उनको सिखाया जाए, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो. तो देश में कहीं ऐसी किसी शहर में या कहीं किसी जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ हो पाई हैं कि जहाँ पे कुराश जैसे खेल या मार्शल आर्ट्स को सीख सके कोई बच्चा जाके जो आगे आना चाहता है और इसमें अपना स्कोप देखे, क्या है स्कोप, क्या है इसका और आगे आने के लिए रास्ता क्या है, और स्कूल लेवल पे शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? आप स्कॉलरशिप देंगे तो शिक्षा के साथ कब से जोड़ा जाएगा और कैसे जोड़ा जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है. अगर सही फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए तो सही प्लेयर नहीं निकल के आएंगे. तो अभी जैसे जितने भी जूडो सेंटर्स है, हमें मैट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, हमें हॉल चाहिए, जितने भी जूडो सेंटर्स है वहाँ पे कुराश ट्रेनिंग चल रही है. और अभी रिसेंटली केरला में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कुराश का डेडिकेटेड क्लब बन चुका है. और दिल्ली में भी कई, जो दिल्ली में तो इंडिया के बेस्ट क्लब्स है, बाबा गंगनाथ एकेडमी है. अच्छा. और दादा देव एकेडमी है जो इंडिया के बेस्ट मेडलिस्ट दे रहे हैं. जी, जी, जी. तो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आए जी. ताकि बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ाई के साथ वो एक सब्जेक्ट भी रहे, उनको मार्क्स भी मिले जी. उस पर और इस तरह से हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं जी. दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि आगे कुराश का शेड्यूल क्या है और इंडिया में, अपने देश में कहाँ पे आयोजन होगा इसका, किसी प्रतियोगिता का, या विदेशों में कहाँ आयोजन हो रहा है, और इंडिया में, इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लोग होंगे रिप्रेजेंट करने वाले, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें अभी अगला टूर्नामेंट ग्रीस में है जी, जो मेरे ख्याल से अप्रैल में है जी. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कि एक अच्छी टीम लेके ग्रीस जाए जी. और अभी रिसेंटली एक मीटिंग है मार्च में, इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन की मीटिंग है जी. और उसमें सारे कंट्रीज़ के जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है जी. उनकी मीटिंग होगी यहाँ पे. यहाँ पे आगे की और रणनीति बनेगी जी. कि आगे और क्या करना है जी. और आप चाहे तो वेबसाइट में भी देख सकते हैं, पूरा कैलेंडर हमने ऑलरेडी 2018 एशियन गेम्स तक डाला हुआ है जी. तो फोकस पूरा वर्ल्ड का, कुराश के फैमिली का यही है, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के लिए. और ये मीटिंग भी उसी लिए कर रहे हैं हम, एशियन गेम्स के लिए, कि जितने कंट्रीज को एशियन गेम में मेडल्स आएंगे कुराश को उतना ही प्रमोशन होगा. ठीक बात है. एक बात, लास्ट क्वेश्चन, अंत में ये सवाल कि जो देश के युवा हैं या बच्चे हैं जो किसी भी मार्शल आर्ट्स में, जो मार्शल खेल है उसमें आगे आना चाहते हैं मार्शल आर्ट्स के, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वो हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ने की कोशिश करें? बिल्कुल. ये देखिए, आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जी. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो कई डिफिकल्टीज के बाद भी जी. वो आगे बढ़े. मैं खुद मैंने देखा है कि एक लड़की है, मैं नाम नहीं बताऊंगा जी.
वो एक ऐसे फैमिली से है जिसकी मदर लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है। अच्छा। और हम जब कैंप लगाते हैं, टीम के 10-15 दिन का कैंप होता है, कैंप में हम रिफ्रेशमेंट देते, फ्रूटीज वगैरह उनको, काजू बादाम वो देते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आप मुझे रिफ्रेशमेंट आप वापस रख लो, पैसे दे दो जी। क्योंकि उससे उसका रोटी चल रहा है। तो ऐसे बच्चे खेल रहे, और उसने इंटरनेशनल मेडल भी लेके आई, इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट भी हुई है वो लड़की। ये देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और कोई भी कुछ भी कर सकता है। और स्पोर्ट्स में उसमें 4 P जी, आपको मौका क्या मिल रहा है स्पोर्ट्स से? अपने माँ बाप के लिए नाम कमाने का मौका मिल रहा है जी, अपने स्टेट के लिए नाम कमाने के लिए मौका मिल रहा है, अपने स्कूल कॉलेज का नाम कमाओगे, और पूरे देश का नाम कमाने का मौका मिल रहा है। इतना अच्छा मौका और किसी फील्ड में नहीं है, इसलिए कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और मेहनत और लगन से सच्चाई के साथ जी, स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये थे रवि वर्मा जी हमारे साथ, जिनको कुरास खेल को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करने की जिम्मेदारी मिली है। तो इनसे हमने बातचीत की, जिसके दौरान इन्होंने बताया कि कैसे ये खेल को बढ़ावा देंगे, और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी, और कुरास खेल क्या है, और कितना दिलचस्प है खेल, युवाओं को कैसे इसमें आगे आना चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने आज हमारे साथ की। और इसके लिए, ये बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि वर्मा जी, फोर्थ पिलर से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।